28, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 28 ही सबसे इंपॉर्टेंट है और ये हमें बताता है कि स्कोप ऑफ पीजीबीपी, ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम्स इस हेड के अंदर आ सकती है। ठीक है, सैलरी की याद है आपको, जिसमें हमने कहा एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशनशिप होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ा तो वहां पर भी हमने उसकी पहले कंडीशंस पढ़ी कि बिल्डिंग होनी चाहिए और ऑनरशिप होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के दौरान आपको वहां से इनकम जनरेट हुई हो तभी आप वहां पर आ सकते हैं। अब हम हेड नंबर 3 के ऊपर हैं जी, दैट इज पीजीबीपी। ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले वो कहता है पीजीबीपी दैट इज द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और द प्रोफेशन। ठीक है जी, फुल फॉर्म तो सबको ही पता है ना पीजीबीपी की, दैट इज प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो विच वॉज कैरिड ऑन बाय द असोसिएट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उसने भी ये बात बोली कि अगर आपको कोई पीजीबीपी हुआ है, प्रॉफिट और गेन्स हुए हैं कहाँ से, बिजनेस या प्रोफेशन से, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कंपनसेशन भी इसके अंदर आ जाएंगी, कंपनसेशन भी इसके अंदर आ जाएंगी। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे जी, ये कौन सी कंपनसेशन है। आपको अगर याद हो सैलरी हेड में मैंने आपको बताया था कि अगर एम्प्लॉई को कोई कंपनसेशन दी जा रही है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, उसमें एक आया भी था कि टर्मिनेशन के ऊपर या आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई किया जा रहा है और उस वक्त अगर आपको कंपनसेट किया जा रहा है वो सैलरी हेड के अंदर ही जाता है। बट उसके अलावा अगर आपको कोई और कंपनसेशन मिली, एग्जाम्पलीफाई कर देता हूँ, लेट अस से एक कंपनी ने मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्होंने बोला कि सर हम आपसे 5 सालों में 500 करोड़ का सामान परचेज करें, हर साल में 100 करोड़ का सामान आपसे परचेज करेंगे, कंडीशन हमारी ये है कि आप इस प्राइस पे दोगे, इतने बजे डिलीवरी दोगे, इतने क्वार्टरली हमें डिलीवर किया करोगे, इतनी देर में हम आपको पेमेंट किया करेंगे और किसी को आप ये सामान नहीं बेचोगे। तो मैंने कहा ठीक है, 500 करोड़ के अंदर मैंने कैलकुलेट किया, मेरे को बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट इनसे ही हो रहा है, मैंने भी वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर हो गया जी कोविड और उन्होंने ऑर्डर्स देने मेरे को बंद कर दिया। मैंने कहा सर आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था। इन दैट केस उन्होंने कहा कि सर हम आपको 100 करोड़ की कंपनसेशन दे रहे हैं, 100 करोड़ की कंपनसेशन पे करते हैं, लेकिन हम ये कॉन्ट्रैक्ट को आगे फॉलो या कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये जो 100 करोड़ की कंपनसेशन मेरे को मिल रही है ये कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं मैंने दी, कोई प्रोफेशन या बिजनेस नहीं किया, कंपनसेशन है, बट ये टैक्सेबल कहाँ पर होगी, पीजीबीपी हेड के अंदर। अभी गुड, रीड कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी केसेस हैं। पॉइंट नंबर ए पहले मैसेज सुनेंगे जी। एक एग्जांपल है और वो आप पहले मेरे को बताएंगे कि ये सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा या बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होगा। लेट अस से मिस्टर ए, मेरे को पता है कि एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है और मेरी एक कंपनी है जो कि एक बहुत बढ़िया काम कर रही है और मिस्टर ए के साथ हमारी डीलिंग रहती है। ठीक है, और मिस्टर ए मेरे को बड़े पसंद है, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद हिज बिजनेस स्किल्स। ठीक है, और वन डे व्हेन आई वांट टू गेट रिटायर तो मैं मिस्टर ए को अप्रोच करता हूँ और मैं मिस्टर ए को कहता हूँ कि सर आप मेरी कंपनी चलाएंगे। ठीक है, और वो कहता है कि जी मेरे को क्या मिलेगा। तो मैंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहता है कि सर 20% ऑफ द प्रॉफिट्स। ठीक है, सो इन दैट केस मैंने उसको कहा कि जी चलो ठीक है आप मेरी कंपनी चलाइए। ठीक है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ उसका 20% मैं आपको। एंड ही स्टार्टेड रनिंग माई कंपनी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो 20% मैं उनको दे रहा हूँ क्या ये सैलरी है? सैलरी? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये सैलरी नहीं है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सैलरी बिल्कुल भी नहीं है। रीजन इज कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं। ठीक है, और मैं मिस्टर ए को कंट्रोल नहीं कर रहा, मिस्टर ए जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का जब टेस्ट चेक हमने किया था तो उसमें कहा था कि फ्रीडम कितनी है उसको। ठीक है, इसीलिए हमने एजेंट और प्रिंसिपल को भी सैलरी की डेफिनेशन से बाहर निकाला था कि अगर कोई मेरा एजेंट है, बिकॉज एजेंट को मैंने ये बात बोली कि सर आपको ये गुड सेल करने, कैसे सेल करने वो आपकी डिस्क्रिशन है, मैं आपको कंट्रोल नहीं करता, आप दिन में काम करो रात को काम करो, आपने क्या प्रॉमिसेस करने हैं, क्या क्या के बेचना है, वो आपके पास फुल डिस्क्रिशन है कि आपने कहां पर जाकर बेचना है। तो यहां पर मैं अगर अपने प्रॉफिट्स का 20% उसको दे रहा हूं और लेटेस्ट से मैं इसको और फर्दर वो कर देता हूं जिसके अंदर मैं उसको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करूंगा। ठीक है, लेटर से अगर आपने कहा कि सर आपने ये बोला ही नहीं था तो अब बोल देता हूं, जिसमें मिस्टर ए ने कहा कि सर मेरे को किसी भी तरह की कोई इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ठीक है,
और मैंने भी उसे कहा कि सर इफ आई से दैट आई एम गेटिंग रिटायर्ड दैट आई मीन इट इन द ट्रू स्पिरिट, फिर मैं भी आपको ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मॉनिटर नहीं करूंगा, जो मैंने करना था वो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी अपना होमवर्क एंड आई एम सुपर इंप्रेस्ड विद योर स्किल्स, आपको फुल डिस्क्रिशन, आप जैसे मर्जी मेरी कंपनी चलाइए। इन दैट केस अगर उसे 20% मैं अपने प्रॉफिट का दे रहा हूँ, 5% अपने प्रॉफिट का दे रहा हूँ और वो मेरी कंपनी चला रहा है, इन दैट केस ये मिस्टर ए को जो मैंने पेमेंट की वो उनके पीजीबीपी हेड में जाएगी। सर आपने ये भी बताया था कि आप उसके टर्मिनेशन या उसके जॉइनिंग से पहले उसका अपने कुछ पैसे दिए हैं तो वो भी अंदर है, इसमें तो उसने जॉइन तो भी हुई उसने पहले पैसे दिए हैं, पहले ही पैसे दिए हैं, मेरे को क्या पता अभी कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने तो पहले कोई पैसे दिए नहीं, मैं तो ये बात बोली है कि जितना प्रॉफिट कमाओगे उसका 20% ले जाना, एडवांस की बात कहाँ से आ गई, अभी तो वो ज्वाइन करेगा पूरा साल काम करेगा प्रॉफिट कमाएगा फिर उसका 20% मैं उसको दूंगा, एडवांस मैंने कब बोल दिया। वो कैसे ये बहुत ही गलत बात आपने बोली है, ठीक है, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स के साथ ये आएगा, लेट अस से आई एम द 90% स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, 90% इक्विटी शेयर्स मेरे पास है बट आई एम नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन इन द कंपनी, बट कंपनी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ तो मैं कंपनी का एम्प्लॉय हो गया, कैसे कैसे, ठीक है, सो कंपनी के अंदर सारे लोग उसके एम्प्लॉय होंगे ये कहना तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है जी, ठीक है, अगर वो MD है होल टाइम डायरेक्टर है देन ही इज एम्प्लॉय, बट अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या सिर्फ शेयर होल्डर है तो कंपनी का एम्प्लॉय थोड़ी ना हो गया, वो तो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, फाइन। सो मैं फिर से बोल रहा हूं जी, अगर मैं मिस्टर ए को कोई पेमेंट दूंगा तो वो उनके सैलरी हेड के अंदर नहीं जाएगी जी, ये उनके पीजीबीपी के अंदर जाएंगी, वो ये बात बोल सकते हैं कि सर मैंने अपने प्रोफेशन से ये बात अर्न की है, अपने स्किल ये डिवेल्प की है कि आई एम अ वेरी गुड बिजनेसमैन और उसको यूज करके मैंने ये पैसे अपने कमाए हैं, ठीक है, और लेटर से कल मैं अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, 3 साल के बाद कंपनी के प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए और अब मेरा दिल थोड़ा छोटा हो रहा है कि मैं इसको 20% ज्यादा दे गया और मैंने उसे कहा कि सर 10% दिया करूंगा, ठीक है, तो वो कहता है कि जी मेरे को फिर 100 करोड़ की कंपनसेशन चाहिए अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, देन वी कम इन दिस पॉइंट, अगर मैं उसे कोई कंपनसेशन दे रहा हूँ एक ऐसे पर्सन को जो मेरी कंपनी को मैनेज या कंट्रोल कर रहा था लेकिन वो मेरा एम्प्लॉय नहीं था, अगर उसको कंपनसेशन दी जाए, बट अगर आप कहते हैं सर ये मेरी कंपनी का MD मैंने बनाया था फिर वो एम्प्लॉई है, अगर उसको मैं कुछ कंपनसेशन पे करूंगा अपने एम्प्लॉई को देन इट विल गो इन द सैलरी है, लेकिन अगर एम्प्लॉई के अलावा किसी और को मैनेजमेंट के पास राइट्स थे और उसको अगर मैं दे रहा हूं इन दैट केस इट विल कम अंडर दिस, रीड कर देते any compensation or the other payment received by any person managing the whole or substantially the whole of the affairs of any Indian company, highlight karenge ji ek word Indian company, at or in the connection with the termination of his management, ya phir to use management se hataya ja raha hai ya modify kiya ja raha hai uski kisi bhi terms and condition ko, to us waqt agar use koi bhi compensation di ja rahi hai, main fir se bol raha hu ji please ek baat, agar ye employee hota fir ye salary head mein jati compensation, ठीक है, मैंने इस एग्जाम्पल में पूरी कोशिश की अपनी एग्जाम्पल को इस तरह से मॉडिफाई करने की कि ये इंप्लॉय ना बन जाए, ठीक है, अगर ये इंप्लॉय नहीं बन पा रहा और फिर इसे अगर कोई कंपनसेशन मिल रही है तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर आ जाएगी, चलेंगे। पॉइंट नंबर बी के ऊपर आ रहे हैं जी, सेम है, एनी पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी, ऊपर क्या बोल रहा था इंडियन कंपनी और अब क्या बोल रहा है एनी अदर कंपनी, बाकी सारा पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो वो कहता है कोई फॉरेन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी नहीं है तो फॉरेन कंपनी होगी और उसका काम वो इंडिया में मैनेज करता है, ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है उसने इंडिया में मिस्टर ए को अपॉइंट किया और कहा कि सर इंडिया में सारा काम आप हमारा देखें, ठीक है, और उसने कहा कि सर आप हमारे एम्प्लॉय नहीं है, इनका कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है जिसके अंदर उसे कंट्रोल नहीं कर सकते किसी भी तरह से, उसे मैनेजमेंट दी गई है होल और सब्सटेंशियली द होल, और कल अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे टर्मिनेट किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी बट दैट कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पॉइंट नंबर ए और बी वर मोर और लेस द सेम, सिर्फ एक फर्क आया जी ऊपर इंडियन कंपनी है और नीचे वो कहते हैं एनी अदर कंपनी बट उसके अफेयर्स इंडिया के अंदर हम मैनेज कर रहे हैं, तो चले पॉइंट नंबर सी, अ पर्सन होल्डिंग द एजेंसी,
मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल और एजेंट को सैलरी से स्पेसिफिकली हमने बाहर किया था, ठीक है। अब वो एजेंट को अगर मैं कोई कंपनसेशन पे कर रहा हूं तो वो भी कहां पर आएगा, पीजीबीपी हेड के अंदर। एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस और एनी अदर पर्सन एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी, आज उसकी एजेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है या मॉडिफाई किया जा रहा है किसी टर्म्स एंड कंडीशन को, तो उसे भी जो पैसे मिल रहेंगे वो सैलरी हेड में ना जाकर पीजीबीपी हेड के अंदर आएंगे। पॉइंट नंबर डी, ए और बी की ही कॉन्टिन्यूशन है जी, इसके अंदर गवर्नमेंट कंपनी की बात बोल रहा है। तो वो कहता है कि जी एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विद वेस्टिंग इन द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और द बिजनेस, ठीक है जी। उसे गवर्नमेंट ने कोई काम सौंपा था मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस और द प्रॉपर्टी का, और चाहे वो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेंट ने कोई और अथॉरिटी दी हो, और आज अगर उसे कंपनसेशन पे की जा रही है बाय द गवर्नमेंट, सो दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और लास्ट में जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जैसे कि मैंने बताया था कि एक बड़ी कंपनी ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेट्स से वॉलमार्ट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 5 साल में 500 करोड़ का हम आपसे सामान लेंगे, और अगर आज वो कोई मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन करना चाहते हैं तो वो कंपनसेशन भी कहां पर आएगी, यहीं पर आएगी, वो पॉइंट नंबर ई में आएगी। मैं वॉलमार्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं तुमका सप्लायर था। कहता है एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड एट और इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद रिलेटिंग टू द बिजनेस। पॉइंट नंबर 3, इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन ऑफ द स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर। तो वो कहता है कि जी अगर कोई एसोसिएशन है और उसने अगर कोई क्लब है, अगर उसने कोई सर्विसेज अपने मेंबर्स को दे दी है तो वो भी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी। और वो कहता है दिस क्लॉज इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। मैंने आपको ये हाउस प्रॉपर्टी में भी बताया, म्यूचुअलिटी इज जब कुछ लोग मिलकर एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, वो सारे ऑनर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने क्लब बना लिया, अब क्लब के अंदर जी हमारे ही मेंबर्स जा सकते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। अब क्लब अगर अपनी मेंबर्स को कोई सर्विसेज दे रहा है तो हमने कहा कि सर फ्री में नहीं होगी, आप कुछ तो उनसे चार्ज करेंगे। ऐसा होता है कि हम अपने मेंबर्स को जब सर्विसेज देते हैं तो डिस्काउंटेड देते हैं, और अगर नॉन मेंबर को देते हैं तो उनके लिए पेड होता है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास किसी क्लब की मेंबरशिप है, आप वहां पे जाके स्विमिंग पूल, पूल, स्नूकर कुछ भी खेलना चाहते हैं, तो वो पूछते हैं कि सर आप मेंबर हैं, तो आप कहते हैं कि यस आई एम द मेंबर, तो वो कहते हैं कि ओके यू कैन डू इट फॉर द फ्री। बट अगर आप अपने साथ कोई गेस्ट ले जाते हैं, अपने फ्रेंड को ले जाते हैं जो कि मेंबर नहीं है, तो वो कहते हैं कि सर इनके लिए 200 रुपए पर आवर लगेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप अपने मेंबर से भी कुछ चार्ज करें, अगर आप मेंबर से चार्ज ही नहीं करें फिर तो कोई इनकम आई ही नहीं, बट अगर आप अपने मेंबर से कुछ चार्ज कर दें तो वो भी यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ऑल दो यू आर द ऑनर। जैसे जीएसटी में नहीं था, जिसमें वो कहता था कि जी डीम्ड टू बी द डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने भी कहा कि सर दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, यहां पर आप अलग अलग माने जाएंगे।